हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ये दो वाटर स्नेक और एक धामन सांप है ये, और ये अभी हम जंगल छोड़ने के लिए आए हैं। तालिब हुसैन मेरा नाम हुआ, कॉर्बेट तालिब के नाम से मेरा चैनल है YouTube पे। और सभी से मेरा कहना है कि किसी को भी सांप दिखे तो आप मुझे कॉल करें, तो आप सूचना दें, हम इन्हें पकड़ेंगे और जंगलों में इनको छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे धामन सांप। ये है हमारे तालिब भाई। तालिब भाई कैसे हैं? तालिब बढ़िया भाई, साहब बड़ा यूट्यूब पे हमारा प्यार मिलता है और आपके लिए कमेंट भी आते हैं कि तालिब भाई जो है बहुत अच्छा काम करते हैं। और दोस्तों कहीं भी अगर सांप किसी के घर में आ जाता है, उत्तराखंड रामनगर काशीपुर रुद्रपुर उत्तराखंड क्षेत्र से अगर आप हैं, तो तालिब भाई ये कौन सा सांप है? ये धामन सांप है और ये नॉन जहरीला सांप होता है जी। ये जहरीला नहीं होता, इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सीधा सांप होता है और तो किसी अगर अगर इस धामन सांप की पहचान करें तो कैसे करें? ये पतले मुंह का होगा, देखो इसका मुंह ये है, आप यहाँ करीब लाओ, काटेगा नहीं। ये पतला मुंह होता है, लंबा मुंह होता है। अच्छा, चोंच टाइप, मतलब चोंच टाइप मान के चलो। और ये लंबा होता है, भूरा होता है। देखिए दोस्तों इसका बड़ी अच्छी नहीं बात बताई तालिब भाई ने। मैं थोड़ा तालिब भाई को जरा तालिब भाई थोड़ा सी मैं हो सकता ये माइक आप पकड़ लीजिए थोड़ा, मैं थोड़ा मुझे थोड़ा घबराहट भी होती है जी जी बताइए। क्योंकि दोस्तों देखिए ये है धामन साहब और हमारे साथ कई सारे लोग जुड़ चुके हैं लाइव। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। देखिए तालिब भाई हैं हमारे साथ में और बराबर ये जनता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क से। जहाँ से भी इनके 112 नंबर पर कहीं से भी इनके साथ कॉल अगर आती है तो ये तुरंत, चाहे रात के 2 बजे हो चाहे रात के 1 बजे हो, दोपहर का टाइम हो, दोस्तों ये अक्सर खाना छोड़ के भी चले जाते हैं। तो तालिब भाई, इस धामन सांप की अभी अभी आपने पहचान बताई कि इसका नुकीला मुंह, पतला मुंह और ये भूरा होगा जब भी होगा जी। ये ज्यादातर जहाँ मवेशी पालते हैं, गाय भैंस वगैरह, वहाँ पर आ जाता है दूध पीने के चक्कर में। बाकी ये जहरीला नहीं होता, ये चूहे वगैरह अच्छा, खाता है। जहरीला नहीं होता, ये जहरीला नहीं होता, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे बिल्कुल डरने की जरूरत। तो इसके पीछे तालिब भाई हमारे हैं और वो बराबर रेस्क्यू करते हैं। अगर आप प्लीज इनके लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ये जंगलात के अंदर रेंजर साहब, डीओपो साहब सबके साथ ये बराबर काम करते हैं। तो तालिब भाई इसको छोड़ने का छोड़ रहे हैं? हाँ मैं इसको छोड़ रहा हूँ, पानी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप कहाँ से, आप किस तरह कमेंट करें और लाइक करें दोस्तों। अगर आप लाइक करते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अब देखिए इसमें वाटर स्नेक आप तालिब भाई ये वाटर स्नेक है, यह क्या बोलते हैं, वाटर स्नेक, पानी वाला वाटर स्नेक बोले तो सांप के अंदर रहने वाला ना, पानी के अंदर रहने वाला। हाँ। काटना तो बड़ा फुर्तीला है। हाँ, बहुत फुर्तीला होता है, काटता बहुत जल्दी है, फुर्तीला बहुत जल्दी काटता बहुत जल्दी। हालांकि ये भी जहरीला नहीं होता, ना जहरीला भी नहीं होता दोस्तों, ये जहरीला बिल्कुल भी नहीं होता है। आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, अति कृपा होगी प्लीज। ये हम इसलिए पानी के धोरे लेके आए हैं कि पानी में रहना पसंद करते हैं और ये मेंढक वगैरह खाते हैं, इसलिए हम इसे पानी के धोरे लाके छोड़ रहे हैं। मेंढक मछली भी खाते हैं? जी मछली भी खा लेते हैं और मरा हुआ एकदम कुछ भी। हाँ कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। देखिए दोस्तों लाइव जुड़े हैं, लाइव देखें, लाइक जरूर करें दोस्तों, आपसे निवेदन प्लीज। देखिए यह है वाटर स्नेक जो कि जहरीला बिल्कुल भी नहीं होता और इससे घबराने की जरूरत नहीं। और ये सब हम कई सारे कोबरा नाग जो होते हैं वो भी हमने छोड़े हैं कई। देखिए दोस्तों एक हो रहा है लगातार, दूसरा सांप है ये, देखिए तीसरा, तीसरा सॉरी तीसरा, ये देखिए ये हालांकि छोटा है। हाँ, ये छोटा है मगर है ये भी वाटर स्नेक, पानी वाला। तो इसमें नर मादा की कुछ पहचान? हाँ ये मादा है, वो नर है। अच्छा वो नर है, ये मादा है। हाँ इसकी क्या है, पूंछ की होती है। अच्छा नर की पूंछ, कभी भी ये मिलन करते हैं तो इनकी पूंछ मोटी हो जाती है खड़े होने के कारण की वजह से, और मादा की पतली होती है। जी जी जी। देखिए दोस्तों लगातार तालिब भाई की मेहनत रंग लाती है, जगह जगह वो इसके जंगल में किसी के घर में अगर सांप आता है, नाग आता है, कोबरा आता है, जहरीला आइटम कोई भी चीज आती है, कोई भी चीज हो, तो आप इनको कॉल करें 112 नंबर पे। नहीं 100 नंबर कर लें, 112 कर लें, हमारे नंबर पे कर लें, कहीं भी कर लें, क्षेत्र के हिसाब से इनके पास कॉल आ जाएगी। और आप कहाँ और कौन से क्षेत्र से, तो प्लीज ये भी बताएं, लाइक करें, शेयर करें। हम इनको क्या करते हैं कि हाथों हाथ हम पकड़ के हाथों हाथ छोड़ देते हैं, हम इनको इकट्ठा नहीं करते कभी भी सांपों को जी, जी, जी। कभी हम इनको रखते नहीं है जी। हम इनको ढेर नहीं लगाते जी, जी, जी। इनको हाथों हाथ पकड़ते हैं और जंगलों में लाके छोड़ देते हैं। दोस्तों देखिए हाथ के हाथ पकड़ के छोड़ देते हैं, बिल्कुल जो कि बहुत अच्छा काम है। आप क्या कहने चाहेंगे दूसरों के लिए कि सांप को मारे नहीं? नहीं सांप को बिल्कुल नहीं मारे, कोई भी साहिबान है सांप को बिल्कुल नहीं मारे, कहीं भी सांप दिखे मुझे सूचना दे, हमारे इलाके में है तो हम जाएंगे। हाँ अगर मतलब कॉल के हिसाब से कॉल ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी, अगर 100 नंबर 112 नंबर पे डाल जी। हाँ जी हाँ जी, अगर मेरे इलाके में होगा तो मुझे कॉल आ जाएगी जी जी जी। मैं तालाई पक्षी में आम पोखरा रेंज में ही हूँ और मेरा काम यही है रेस्क्यू टीम का, सांप पकड़ना छोड़ना छोड़ना। और कभी भी किसी को कोई दिक्कत आई तो आप नंबर नोट कर सकते हैं जी, नंबर नंबर बोलिए। हाँ नंबर है 9832712824 हमारे क्षेत्र में। और किसी भी सांप पकड़ने वाले को आप पैसा वैसा ना दें, कोई भी तुम्हें पैसा मांगता है, तुम्हें परेशान करता है, तो आप तुरंत मुझे कॉल करें, मैं आऊँगा जी जी। ठीक है धन्यवाद।